हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कुकलेशियस। आज मैं आपको मशरूम फ्राई की रेसिपी बता रही हूँ। उसके लिए क्या क्या सामग्री आपको चाहिए आप देख लीजिए। मशरूम स्टर फ्राई के लिए यह मैंने 200 ग्राम मशरूम लिए हैं, जिसको हम छील के साफ करके बारीक बारीक काट लेंगे। ये देखिए, मैंने मशरूम को छोटा छोटा टुकड़ा करके रख लिया है। इसका मसाला के लिए मैंने एक बड़ा प्याज काट के रखा है बारीक, कड़ी पत्ता लिया है थोड़ा सा, एक हरी मिर्ची मैंने बारीक काट के रखी है, और गार्निशिंग के लिए थोड़ा सा धनिया लिया है। ये मैंने दो छोटे टमाटर काट के रख लिए हैं। और सूखा मसाले के लिए मैंने आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच मिर्ची पाउडर, आधा चम्मच धनिया पाउडर और नमक टेस्ट के अनुसार लिया है। मैंने कढ़ाई में दो चम्मच तेल लिया है। अब हम इसमें कांदा डाल के फ्राई करेंगे। तो मैंने कढ़ाई में दो चम्मच तेल लेके कांदा फ्राई कर रहे हैं। उसमें कांदा फ्राई होने के बाद में मैं इसमें टमाटर ऐड करूँगा। तो देखिए, कांदा फ्राई हो गया है, अभी मैं इसमें टमाटर ऐड कर दूँगी। और अभी टमाटर डाल के भी इसमें थोड़ा फ्राई कर लेंगे। टमाटर थोड़ा फ्राई होने के बाद हम इसमें जो सूखा मसाला है वो सब ऐड कर देंगे। और देखिए, टमाटर थोड़ा गलने लगा है, अब हम इसमें सूखा मसाला ऐड कर देंगे। मसाला थोड़ा मिक्स कर दिया हमने, अभी हम मशरूम इसमें डाल देंगे। मशरूम मैंने डाल देती हूँ। इसको स्लो फ्लेम में पकाना है और हमको पानी में ऐड करना है। मशरूम में से जो पानी खींचेगा उसमें पक जाएगा। ये देखिए, मशरूम का भाजी बनके तैयार हो गया है। इसको आप रोटी के साथ, राइस के साथ एंजॉय कर सकते हैं। ये बहुत टेस्टी भाजी है और हेल्दी भी बहुत है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिए। बहुत इजी है बनाने के लिए, 5 मिनट में बनकर तैयार हो जाती है। मशरूम फ्राई की रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।